अगर अगर अबुल फजल शाहीन बाग जाना होगा तो लोग इससे रोड से निकलते हैं, यहाँ से आप देखिएगा जाम लगता है, बुरा हालत है, लोग आग नाक पर कपड़ा दुपट्टा रखे यहाँ से निकलते हैं। ये देखिए कीचड़ है यहाँ पर, ये स्लिप मारते हैं, आखिर करना क्या चाहते हैं? जिसका मन करेगा वो कोर्ट चलाएगा, इससे ले आएगा, जिसका मन करेगा वो बिल्डिंग रुकवाता है, जिसका मन करेगा वो उगाई कर लेगा, जिसका जो मन करेगा, कोई यही नहीं पता है। ऐसा कहीं भी आप पूरी दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, जो हाल ओखला का है इससे बदतर हाल पूरे दिल्ली में आप कहीं नहीं मिलेगा। आपको कूड़े को लेकर देख लीजिएगा, आप रोडों को देख दीजिए, गली कूचे को देख लीजिएगा, कहीं भी चले जाइए। हमारे जो विधायक साहब कह लें या यहाँ के कौंसलर साहब हैं, कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। आवाम ने वोट दिया है, आवाम ने वोट दिया है, वोट देकर उसकी जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म हो जाती है कि हमने नुमाइंदा चुन दिया, हम अपना कारोबार देखेंगे, ये लोग काम करेंगे। अभी वो काम भी नहीं करेंगे, दिखाई भी नहीं देंगे, आएंगे भी नहीं, जाएंगे भी नहीं, तो एक मजाक हो गया है। आप मैंने वोट आपको दिया, आपकी जिम्मेदारी बनती ना। आप ये गांव से बदतर हाल कर दिया है, आप किसी कस्बे या गांव में भी जाएंगे ना, वहां के रोड भी इससे लाख गुना बेहतर पाएंगे और इससे अच्छी गलियां पाएंगे। और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कंजर खाने में किसी गंध में रह रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ बटला हाउस ओखला हेड पर। यहाँ पर कूड़ा खत्ता है, ये देख सकते हैं आप, ये वो रोड है जहाँ पर चलती फिरती गाड़ियाँ होती, यहाँ नोएडा की तरफ जाती हैं, फरीदाबाद की तरफ जाती हैं, और ये वो रोड है और बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है, जिसकी वजह से ये देख सकते हैं आप कूड़ा खट्टा का ढेर लगा हुआ है सड़क के बिल्कुल किनारे पर, जो 10 फुटा रोड बाकी है सिर्फ, और आवाम को काफ़ी तकलीफ हो रही है यहाँ पर। अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे साथ यहाँ के नुमाइंदे जो होते हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये कूड़ा खट्टा क्यों है यहाँ पर और क्यों हटाया नहीं गया अभी तक। यहाँ के MCD चुनाव होते हैं उस वक्त यहाँ पर नेता आकर भाषण देते हैं और बोलते हैं, वादा करते हैं कि हम कूड़ा खत्ता यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। आप मेरे पीछे ये देखिए, पूरा का पूरा ये कूड़ा खत्ता यहाँ से वहाँ तक का है, जिसकी वजह से जाम आप देख सकते हैं डे बाई डे यहाँ पर लगता रहता है। हमारे साथ मौजूद हैं महमूद साहब, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हुआ है ऐसा और कब तक ये ख़त्म हो सकता है। इलाके के लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली बात है, इलाके के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचाने वाली बात है, ये गलत तरीका है और आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा जंजूम बनने वाला है इलाके के लोगों के लिए। ये बिल्कुल यहाँ से शुरू से भी मैं कहता रहा हूँ, ये यहाँ से हटना चाहिए और ये गंदगी पूरे ओखला में से यहाँ से लेके वहाँ तक, पहले थोड़ा सा पड़ता था ये, अब ज़्यादा होने लगा, अब धीरे 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 ये पूरा कूड़ेदान वहाँ तक ये बन जाएगा। गलत तरीका है, ये लोगों की, लोगों को साफ करना चाहिए यहाँ से, ये इन लोगों का मजाक बना के रख दिया। जब शुरू में थोड़ा सा पड़ा था, मैंने जब भी कहा था कि यहाँ पर ये मत करिए, लोगों का निकलना मुश्किल होगा, जाम लगेगा, जो आ रहे हैं छोटे बड़े उनको बड़ा नुकसान होगा, बीमारियाँ बढ़ेंगी। और जाहिर सी बात है, जब कूड़ेदान है नहीं तो कूड़ेदान बना क्यों रहे आप लोग, किस लिए बना रहे हैं आप कूड़ेदान? क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं कि आप इलाके को गंदगी में रखना चाहते हैं, इलाके के लोगों को आप लोगों को परेशान करना चाहते हैं? इससे जो बाहर के लोग आते हैं, ये रोड सीधा नोएडा वगैरह के लिए लोग जाते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इमेज जाएगी ओखला की? ओखला की इमेज बहुत ख़राब है, कई जगह पर ये बहुत परेशानी है। आप ये कहते थे पूरा चुनाव जो है इससे पहले वाला कूड़े पर हुआ, अशिफा का कूड़ा, 8 नंबर का कूड़ा, सारा चुनाव वहाँ पर हुआ, ये आपने फिर ये अबुल फज़ल शाहीन बाग के लोगों के लिए जन्नू बना दिया। क्योंकि अगर बटलाओ जोगा भाई जाकिर नगर को निकलना है तो लोग उधर से निकलते हैं, अगर अगर अबुल फज़ल शाहीन बाग जाना होगा तो लोग इससे रोड से निकलते हैं, यहाँ से आप देखिएगा जाम लगता है, बुरा हालत है, लोग आग नाक पर कपड़ा दुपट्टा रखे यहाँ से निकलते हैं। ये देखिए कीचड़ है यहाँ पर, ये स्लिप मारते हैं, आखिर करना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? इलाके जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है, जो नुमाइंदे वो जिम्मेदार है, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है, MCD के नुमाइंदे हैं, ये कूड़ा उनका आता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्यों डालते हैं आप कूड़ा? जब हम तो आपको शुरू में बताया था कहीं भी आप कूड़े की शुरुआत करेंगे वो कूड़ेदान बन जाएगा। एक तरफ तो आप कहते हैं हम सफाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कूड़ेदान परेशानी कर रहे हैं। अबुल फज़ल शाहीन बाग वालों के लिए आपने जन्नू बना दिया, क्यों भाई? काम तो चल रहा है लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। क्या कोशिश है बताओ, क्या काम चल रहा है? कहाँ किसी में कूड़ेदान है? कहाँ लिखा हुआ, किस जगह पर लिखा हुआ कि स्कूल के पास में आप कूड़ेदान बनाएंगे? फंड पास करने का, किस चीज़ का फंड, कहाँ है दिखाओ हमें, कहाँ पे कूड़ेदान है? कोई भी कूड़ेदान स्कूल के सामने नहीं बन सकता, ये रहा स्कूल 20 मीटर के आसपास में, आप मजाक बना के रख रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं इलाकों का, कूड़ेदान बना के रख दे इलाके का? आप इलाके में ये लगता ही नहीं है यहाँ पे पढ़े लिखों का इलाका है, यहाँ पे ये आप लोग इलाकों को जन्नू बनाते जा रहे हैं आप लोग। लोग कहते हैं यहाँ कूड़ा नहीं डालेगा तो कहाँ डालेंगे? अरे आपकी जिम्मेदारी बनती है, कूड़ेदान में कूड़ा बनाए ना, कूड़ेदान की जगह एक मुकम्मल कूड़ेदान की जगह बनाए ना, आप कहीं भी डाल देंगे। आप एक तरफ पूरा चुनाव कूड़ेदान पे लड़ते हैं, क्या अलशिफा पे कूड़ा, 8 नंबर पे कूड़ा, यहाँ कूड़ा वहाँ कूड़ा, दूसरा अबुल फज़ल शाहीन बाग वालों के लोगों के लिए जो यहाँ से निकल के जाते हैं उनके लिए आपने जन्नू बना दिया। अच्छा, तिकोना पार्क पे भी ये कूड़ेदान है जहाँ पर होटल वगैरह है आसपास,
वहाँ भी बहुत बुरा हाल है, वहाँ भी पहले कभी कूड़ेदान नहीं। ये लापरवाही है इन लोगों की, कूड़ेदान कूड़ेदान की जगह पर होना चाहिए और कूड़ेदान का प्रॉपर तरीका होता है कि आप कूड़ेदान बनाइए उसमें कूड़ा रखिए, आप साफ करिए, प्रॉपर वे में बनता है। ये तो नहीं कि कोई रोड आपको मिल गया तो आपने अपने लोगों से लड़वाना शुरू कर दिया, तो ये गलत तरीका ना। आप लोग कहाँ तक लेके जा रहे हैं इलाके को? आप इलाके में करना क्या चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं आप इलाके के अंदर? क्या इलाके को पूरा झंडू बनाएंगे? कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? समझ में नहीं आ रहा। जगह जगह तो सड़कें भी टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं, सालों से महीनों से रोज वीडियोज आती हैं, पानी भरा पड़ा है जगह जगह, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जाहिर सी देखो कहें, कोई भी हो जो काम जिसका करने का है उसे उसे काम वो करना चाहिए, और अगर काम नहीं कर पा रहा तो अपना गलती मानेगा, मुझसे काम नहीं हो पा रहा, कोई भी एक्साइटर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाम ने वोट दिया है, आवाम ने वोट दिया है, वोट देकर उसकी जिम्मेदारी यहाँ खत्म हो जाती है कि हमने नुमाइंदा चुन दिया, हम अपना कारोबार देखेंगे, ये लोग काम करेंगे। अभी वो काम भी नहीं करेंगे, दिखाई भी नहीं देंगे, आएंगे भी नहीं, जाएंगे भी नहीं, तो एक मजाक हो गया है। आप, मैंने वोट आपको दिया, आपकी जिम्मेदारी बनती ना, आप जीत गया, अब आप दूसरे को खड़ा कर देंगे, अब इसका मतलब थोड़ी है कि आप किसी को भी खड़ा करके काम कराएंगे। कराइए, काम तो होना चाहिए। इलाके के अंदर काम के नाम में कुछ नहीं, जगह जगह पानी भरा हुआ, निकलने की जगह नहीं है, गंदगी का माल लगा हुआ है, बहुत बुरे हालातों में है, कोई सुनने वाला कोई समझने वाला नजर नहीं आ रहा है। ये गलत तरीका बिल्कुल चल रहा है, ये तरीका अच्छा नहीं है, ये आवाम के साथ धोखा, आवाम के साथ मनमानी है, ये आवाम के साथ तानाशाही, आवाम की सुनने को आप तैयार नहीं है, गलत है ये तरीका। आप देख लो क्या हाल हुआ पड़ा है इलाके का, जाम लगा पड़ा है, निकलने की जगह नहीं है, लोग परेशान हाल है, आप किससे सुनाएंगे? ये हॉस्पिटल ने तो पार्क बना दिया वहाँ पर, वहाँ से तो कूड़ा हटा दिया। यार एक बार बताइए आप, वहाँ से कूड़ा हटा दिया यार, एक साइड से आप कूड़ा हटाएंगे दूसरे साइड में डाल देंगे। ये वही लोग तो है जो अबुल बश शाइन बाग निकलने वाले लोग है, वही लोग तो है, आपने हटा दिया, ये काम अच्छा किया, इस काम को कोई बुरा नहीं कहता, दूसरी जगह बन गया उन्हीं लोगों के लिए, ये लोग वही तो लोग है, यहाँ से कौन लोग निकल रहा है? अबुल फजल के लोग निकल रहे हैं, यहाँ से शाहीन बाग के लोग निकल रहे हैं, इधर बटलाव जोगा बाज जाके नगर के जिले में आके इधर नोएडा के लोग निकल रहे, वही लोग निकल रहे, वही लोग जोर से निकल रहे, वही लोग जोर से निकल रहे, एक जगह से उठाई आपने गंदगी दूसरी जगह पर डाल दी, ये क्या मतलब बनता है भाई, ये मतलब क्या बनता है? अगर आप साफ करके दूसरे कूड़े खान ये गंद खाने नहीं बचाते हैं, ये गंदगी नहीं बचाते, तो समझ में आता कि आपने बहुत अच्छा काम किया, किसी ने भी किया, अच्छा काम अच्छा होगा, लेकिन अच्छा काम को बुरा करके कैसे कर दोगे? एक हटा दे दूसरी जगह डाल दिया आपने, आप यहाँ पे बरसात होती है पानी पड़ता है रोड पे कीचड़ जाती है, लोग स्लिप होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं लगातार आप वीडियो देख सकते हैं, आप लोगों से दुश्मन करती है, पब्लिक शिकायत कर रही है, पब्लिक शिकायत पता करो किसी से भी, आप 10 लोगों से पता करो, हर कोई बोलेगा। अब लोगों की जिम्मेदारी ये तो नहीं बनती कि लोग आए, लोग यहाँ पे इनसे झगड़ा करें या बदतमीजी करिए, नहीं, वोट दे दे चीजें खत्म हो गई है, अब इनका मतलब ये नहीं है, ये सब मनमानी है, गलत तरीका है, और जहाँ तक पब्लिक की बात है, आप किसी भी पब्लिक से पता करिए कि ये अच्छा है नहीं है, जय मैं कहता हूँ हर आदमी ये बोलकर आएगा कि हाँ ये गलत बना हुआ है, गलत तरीके। यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं वो इस वक्त यहाँ पर रुके हमें देखकर, क्या कहना चाहेंगे जो महमूद भाई ने जो कूड़ेदान आवाज उठाई, हम लोग खड़े हैं साथ में, कूड़ेदान कितने नुकसान दे? ये महमूद भाई जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कोई राजनीति मुद्दा नहीं है ये, असल में क्या पब्लिक को परेशानी हो रही चीज़ से, ऐसा कहीं भी आप पूरी दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, जो हाल ओखला का है इससे बदतर हाल पूरे दिल्ली में आप कहीं नहीं मिलेगा आपको, कूड़े को लेकर देख लीजिएगा आप, रोडों को देख दीजिए, गली कूचे को देख लीजिएगा, कहीं भी चले जाइए, हमारे जो विधायक साहब कह लें या यहाँ के कौंसलर साहब हैं कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, ये गांव से बदतर हाल कर दिया है। आप किसी कस्बे या गांव में भी जाएंगे ना, वहाँ के रोड भी इससे लाख गुना बेहतर पाएंगे और इससे अच्छी गलियाँ पाएंगे, और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कंजर खाने में किसी गंद में रह रहे हैं। ये ओखला जहाँ पे हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड का हर एक मुसलमान यहाँ पे रहता है, हर एक पैसे वाला हंसे पड़े एजुकेशन से लेके हर तबके का आदमी यहाँ पर आपको मिलेगा पर है। जी जी A to Z, मगर यहाँ के जो काउंसलर विधायक साहब हैं उन्होंने बुरा हाल कर दिया, सिर्फ बिल्डिंग बनाने के अलावा उन्हें दूसरा काम नहीं आता है, सिर्फ बिल्डिंग और तीसरा काम नहीं है। नोएडा भी हम जाते हैं, गुड़गांव हम जाते हैं, अक्सर कहा जाता है योगी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मैम हम तारीफ भी करेंगे किसी ना किसी की बुराई करेंगे, लेकिन नोएडा को देखकर लगता है कि वाकई में एक सिटी है। नहीं देखिए हम तो ये कहते हैं ऐसा नहीं, ओखला जो है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान ओखला के अंदर रहता, वेल एजुकेटेड मुसलमान रहता है यहाँ पर सबसे। अब किसी भी गली में आप चले जाइए वहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिसर आपको मिलेगा, जई मिले, प्रिंसिपल साहब मिले, एडवोकेट मिले, कोई भी मिलेंगे, हर गली में आपको रजिस्टर्ड ऑफिसर मिलेगा ओखला के अंदर। लेकिन क्या करें, उनका काम ये नहीं है, उनका काम किसी को रहनुमा बना दिया, उनका काम वोट डालने का रहनुमा बना दिया, अब उनका काम ये नहीं है कि साहब वो गलियों में आके चौक चौराहे पर आके इस तरह का करेंगे, वो नहीं करेंगे, उनकी जिम्मेदारी ये बन जाती है वोट डालने की, वो अपना वोट डालते हैं और जिता देते हैं, ये रहनुमा की जिम्मेदारी बनती है, वो लोग रहनुमा की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग इस तरह के हालात ना पैदा करें,
क्यों इस तरह के हालात आप पैदा कर रहे हैं? इलाके के अंदर क्या बना के रख दिया आपने? कहते यही है लोग हैं, जैसे कि अब हर मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं, ज़्यादातर यही कहा जाता है कि मतलब आज महमूद भाई आवाज़ उठा रहे हैं, कल को अगर सत्ता में आते हैं वो किसी भी पद पर आते हैं तो शायद वो भी चुप हो जाए, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, जब आएंगे कर लेना ना, आप हमारा गिरवान पकड़ लेना, जब हम आएंगे किसी बात पे और हम लोग नहीं करते ग्राउंड पकड़ लेना। अब बार बार एक मौका देना भाई, मैं तो कहता हूँ जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसे नहीं रहना चाहिए, उसे वोट नहीं देना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी हो। इलाके को क्या बना के रख दिया? इलाके को पूरा कूड़ा बना, मैंने शुरू में ही कहा था, मैंने शुरू में जब ये कूड़ादान शुरू हुआ था ना, ये उसमें 2-3% था, मैंने कहा था ये कूड़ादान हटना चाहिए यहाँ से, ये कूड़ादान बन जाएगा, ये ओखला के लोगों के लिए, अबुल फजल शाहीन बाग लोगों के लिए, बटलाव जोगा बजा के लगे लोगों के लिए ये जहन्नुम बन जाएगा, निकलने की जगह नहीं मिलेगी, बरसात आएगी तो ये रोड पर आ जाएगा, कूड़ा वहाँ तक जाएगा, तो जहाँ तक कूड़ा है मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर लगातार आए तो ओखला हेड कोने तक ये कूड़ा वहाँ तक जाएगा, क्या करके रख रखा आपने? क्योंकि यहाँ पे जब कूड़ेदान होता था एक इलाका बटा हुआ होता है कि कौन से इलाके कूड़ा डाले डलेगा, कौन से बाट का कूड़ा डलेगा, लेकिन जब मालूम है क्या है, जब इलाका ही नहीं होगा, रोड पर आया तो अभी तुमने एक गाड़ी डाले गई थी, आप देख, मैं देख रहा था, आप वीडियो बना रहे थे, वो गाड़ी डाल के वहाँ पर गई, वार्ड 189 गाड़ी आ रही कहाँ से? कहीं से भी आ रही हो सकता, उससे भी आगे आ रही हूँ, हो सकता उससे भी आगे से आ रही हो, कहीं ओखला से बाहर से आ रही हो, तुमने क्या बना के रख दिया? आप एक सिस्टम तो बनाना पड़ेगा, आप एक तरीका बनाना पड़ेगा, कोई सिस्टम ही कोई नहीं बनाने को तैयार है, उसके उस हाल पे छोड़ दिया लोगों को। उन लोगों से आप क्या कहेंगे? आप खुद बटला हाउस में रहते हैं, बटला हाउस के लोग परेशान हैं, गलियां 6-6 महीने 8-8 महीने से टूटी पड़ी है, उन लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए जाहिर सी बात है, मैं तो यही कहूँगा जिसकी जो काम है उसे वो अपना काम करने चाहिए, अपनी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, और जो भी टाइम पे काम हो जाइए, अगर हमारी पार्टी का मगर मसला है, हमारे पार्टी का काम है, तो हमारी आइडियोलॉजी ये नहीं है, आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी ये नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, किसी को चोट पहुंचाई जाए, किसी को तकलीफ दी जाए, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है किसी की मदद की जाए। अब सरकार की बात बता दूँ मैं आपको, सरकार की आइडियोलॉजी है 200 यूनिट बिजली फ्री है तो फ्री है, बसों में महिलाओं की सुरक्षा, बसों में सफर फ्री है तो फ्री है, अगर स्कूल बेटर होने तो होने, अगर अस्पताल बेटर होने तो बेटर होने, ये सरकार का है हमारे, ये सरकार का हमारी सोच है, सरकार के हमारे ये है। अब उसके बाद में जो इलाके वाइज नुमाइंदों की जिम्मेदारी बनती है उसे कैसे बेहतर करें, और जाहिर सी बात है आइडियोलॉजी हमारी नहीं बदलेगी, आइडियोलॉजी हमारी एक है कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है और आम आदमी पार्टी अच्छा काम करेगी, लोगों को जो परेशानी हो रही है वो परेशानी दूर होनी चाहिए। अब ऐसे में मालूम है क्या है, चंद नेता है लोग कहेंगे कि आम आदमी पार्टी में एमसीडी में जो है, एमसीडी में, लेकिन एक चीज बता दो, एमसीडी में है लेकिन जो रहनुमा होता है, आप बताओ जो रहनुमा होता है, जो इलाके का वार्ड काउंसिल होता है, उसकी जिम्मेदारी मेन होती है। अब एमसीडी में अगर आप कोई काम एमसीडी में, आप बताइए क्या पास कराना है एमसीडी से, जो आवाम के लिए फायदेमंद है, सरकार से क्या काम कराना है आप बताइए, हम कराने को तैयार है, लेकिन ये तो रहनुमा की जिम्मेदारी है। आप, मैंने बटलाव से कूड़ेदानों कहा था, आप दीजिए डिप्टी मेयर को, मेयर को दीजिए, मैं कराता हूँ सेक्शन, आप क्यों नहीं करते काम? आपका काम पे ध्यान नहीं है, बटलाव से कूड़ेदान मार्केट के अंदर है वो, कभी आप उसे अच्छा करके बना ही नहीं पाए, आपके खुद डिप्टी मेयर, मेयर खुद कहते हैं जो करना आपको करिए, अच्छे से काम करिए, लेकिन करने को तैयार ही नहीं है, कूड़ेदान बना के डाल दिया, बह के डाल दिया, सब चीज़ बेकार करके डाल रखी इलाके के अंदर। देखिए कौन लोग हावी इलाके में, गुंडे, बदमाश, कब्जेबाज, इश्तेबाज, ये लोग हावी हो रहे हैं, जिसका मन करेगा वो कोर्ट चलाएगा, इसे लेगा, जिसका मन करेगा वो बिल्डिंग रुकवाता है, जिसका मन करेगा वो उगाई कर लेगा, जिसका जो मन करेगा, कोई यही नहीं पता है ये किसी जिम्मेदारी बनती है, ये जिम्मेदारी बनती है किससे? नहीं नहीं, रहनुमा तो है, रहनुमा ऐसे नहीं, रहनुमा नहीं है, वोट देके जिताए रहनुमा है, लेकिन जो रहनुमा है लोग, जो मैंने नाम लिए वो लोग हावी हो रहे हैं इलाके के अंदर, वो लोग हावी हो रहे हैं जिनको नहीं होना चाहिए हावी, किसी के यहाँ कब्जा करके आप बैठ गए और पता ही नहीं, किराए पर मकान ले लिया आपने, कब्जा कर लिया, पुलिस से क्या है कि पुलिस के पास जाके तो पुलिस कहती है क्या नाम है, ये काम सिविल का है, कोर्ट जाइए, अरे क्या मजाक बना कर टूट रहे हैं ओखला के अंदर लगातार, जाहिर सी बात है एक दूसरे की कंप्लेंट करके जो टूट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक एक ही करेगा फिर दूसरे दूसरे ही करेगा, हाँ भी हो तब के इनका इलाज तरीके से हो जाए ना, कानून का शिकंजा कैसे जाए इनमें, तो कुछ भी ना हो। अच्छा एक चीज़ और सर सामने आई है, जो अखबार में थी कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जमुना किनारे जितने भी उसे क्लियर करा जाए, इंक्रोचमेंट है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? कोर्ट का देखे, कोर्ट का जो आदेश है उसमें तो इफ बट है, लेकिन कंप्लेंट तो यहीं से किसी आदमी, जाहिर सी बात है जो कंप्लेंट करूंगी हिम्मत बढ़ती है ना, हौसला बढ़ता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कोर्ट का कोई भी अगर कानून है, कोई भी अगर ऑर्डर है, उसके खिलाफ किसी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप अगर प्रशासन से बात करने की ज़रूरत है, किसी डिपार्टमेंट से आप बात तो कर सकते हैं, रहनुमा बात तो कर सकता है, रहनुमा की जिम्मेदारी बनती है कि वो रहनुमा बात करे। मैं तो कहता हूँ कोर्ट में कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट ने जो बोल दिया वो फाइनल है, लेकिन आप किसी प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से आप बात तो कर सकते हैं, अगर कोई डेमोलिशन का ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल दीवार डेमोलिशन का ऑर्डर आए, तो आप उसे पता तो कर सकते हैं ऑर्डर क्या है, वो कहे दीवार तोड़ने का ऑर्डर है,
तोड़ दीजिए, बात तो करें कम से कम, सामने वालों को ये तो पता लगेगा। अगर एक कोई रहनुमा आके खड़ा हुआ था, हमारी बात तो करिए, कुछ भी नहीं। चुनाव 6 महीने बाद चुनाव है, सारे मसीहा आएंगे, एक से बड़ा मसीहा आएगा 6 महीने के चुनावों में, और इस बीच में कौन कहाँ है कुछ ही नहीं पता। जिसे हाल में छोड़ दिया, ओखला का लोगों छोड़ रखा है, कोई नहीं आएगा। और अभी देखना, 2-1 महीने बाद चुनाव, आपको होटल मिलेंगे, मिलेंगे पोस्टर मिलेंगे, सब रहनुमा, उनसे बड़ा कोई मसीहा नहीं आएगा। तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है, तू बर्चन का दोस्त है, तू बड़ा दोस्त है, तो मैं तेरे माफ़ी मांगता हूँ, तेरे से गलती हो गई, आपके अगली बार नहीं होगी, पिछली बार नहीं होगी, ये सारी चीज़ ड्रामे चलते हैं। लोगों को समझना चाहिए, लोगों को वही लोग चुनने चाहिए, वही लोग काम करेंगे जो इलाके के बारे में सोचे, इलाके के बारे में फिक्रमंद है, उन लोगों को चुनना चाहिए, वो लोग आगे बढ़ के काम करेंगे इलाके का। बाकी इन बातों में ना आए, उससे ये पता कर जाए अगर कोई चुनाव लड़ा तो उन्हें करा क्या इलाके के लिए, पता करे इलाके के लिए करा क्या, क्यों तेरे को वोट दे, किस लिए तेरे को वोट दे, क्या बर्बाद इलाका करने के लिए वोट दे, बिल्कुल नहीं। काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। सर अब ये कूड़े खत्ते का क्या सोल्यूशन निकाले? सोल्यूशन यही है कि हम तो ये तो कौन से साहब से अपील करेंगे जो हटाए यहाँ से, और जो कूड़ेदान है आपका वहाँ बराबर कूड़ेदान में रखें, कि हटाएं यहाँ से गंदगी खत्म करें यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बारिश पड़ती है, शीतल हवा पहुँचती है, एक्सीडेंट होते हैं, लोग गिरते हैं, चोटें लगती है, आज दिन वीडियो होती है, कल को बारिश पड़ेगी तो आप देखिएगा, अभी आपके सामने गिरा था एक बंदा। आवाम से क्या कहेंगे? ओखले के आवाम से तो एक ही अपील है जी, कि आप अपना रहनुमा वो चुनो जो आपके लिए काम करे, अच्छा चुनो, और जाहिर सी बात है ये जो गंद खाना है जो इन्होंने परेशान हाल करके, ये परेशानी दूर। आप जवान फिल्म की तरह बोल रहे हैं, जैसे शाहरुख खान बोला था कि अगर अपने किसी नेता को चुनना है तो जैसे कि आप भिंडी एक एक चीज बिस्किट भी खरीदते हैं तो उसको समझ कर उंगली करते हैं उसको, नहीं करें पब्लिक का। नहीं नहीं जाहिर सी, नहीं नहीं जाहिर सी बात है, आप एक बार बताइए, हम बार बार कह रहे हैं नुमाइंदे से कि कूड़ेदान गलत है, कूड़ेदान, बस क्यों नहीं डाले आप, वजह आपकी नहीं सुन रहे तो जनता की क्या सुन रहे? मेरी, मैं जनता ही हूँ, मैं जनता हूँ, मैं आवाम में से एक शख्स हूँ, मैं किसी पोस्ट में नहीं हूँ, मैं कोई रहनुमा वो नहीं, नुमाइंदा नहीं हूँ, आवाम का लीडर, एक आवाम का लीडर होता बिना पोस्ट होल्डर, आवाम का मैं सोशल वर्कर कह सकता हूँ, पार्टी का सिपाही कह सकता हूँ, कार्यकर्ता कह सकता हूँ, लेकिन मैं पोस्ट होल्डर नहीं हूँ। पोस्ट होल्डर में एक किसी कलम की ताकत जो होती है वो कलम की ताकत होती है, और एक कलम की ताकत नहीं होती, मैं अवेयर कर सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी जो वोट देकर जिम्मेदार बना दिया है उसकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए आवाम चुन ले इंशाल्लाह तो ये शिकायत का मौका मिलेगा नहीं किसी तरह का भी, और आवाम को कुछ नहीं चाहिए होता, जब आप जीते ही हैं, राजनीति कर रहे हैं, आप आवाम के लिए जीते तो आपकी जिम्मेदारी बनती, आपको दूसरा कोई काम ही नहीं है। अगर आप रहनुमा बन गए ना तो आपका कोई दूसरा काम नहीं है, अगर आप राजनीति में आकर रहनुमा बन गए, आप जीत गए, आप पोस्ट होल्डर बन गए, आपका काम ही क्या है? अगर आपको कोई नौकरी करनी है तो रहनुमा कैसे बन सकते हैं, आप कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, आपको कोई कारोबार करना बिजनेस का तो कैसे कर सकते हैं, आप तो राजनीति करना है ना, खिदमत करना है लोगों की, तो आप यही काम करिए ना, तो आपके 24 घंटे हो या 48 घंटे हो, पूरी जिंदगी हो, आपको इसी में करना है, और अगर आप नहीं कर सकते, आपको नहीं करना है तो आप छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है, आप करके क्या फायदा है मुझे बताइए ना। जब राजनीति कर रहे हैं, पोस्ट होल्डर चुनाव जीत गए तो आपका काम है, तो आपकी जिम्मेदारी है, अब आपने जो बोल दिया आपको करना पड़ेगा। चलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये मुद्दा रखा कूड़े का, अब आप कहेंगे क्या कूड़ा हटेगा, कितने दिन में हट सकता है, कुछ बताएंगे इस बारे में? पता करिए ना, अब पता करिए आप जाके कौन से साल से, मैं तो कहता हूँ क्यों डलवा रहा आपने, जब हम शुरू से इनसे अपील कर रहे हैं, आप कौन से साल से बात कर रही है, कूड़े जो पर आ गए, मेरे का कूड़ेदान है ये, आप उनसे पता करिए कि बच्चों का स्कूल 20 मीटर की दूरी पर है, क्या कूड़ेदान बन सकता है क्या? आपने जो ये पूरा कूड़ेदान यहाँ बना दिया, क्यों बना दिया, किसकी परमिशन से बना दिया, आखिर लोगों को क्यों नुकसान पहुँचा रहे हैं आप, पता करिए आप, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये कह रहे कि दूर दूर से लोग आके फेंक के जा रहे हैं, तुमको कैसे पता होगा? क्यों फेंक के जा रहे हैं भाई, शुरुआत भाई एक बात बताइए भाई, यहीं पर क्यों फेंक के जा रहे हैं? जब आपने स्पेस दिया है तभी तो फेंक के जा रहे हैं ना, जब आपने स्पेस दिया तभी तो फेंक के जा रहे हैं, दूर से पास से तो बात ही होता है, जब आप स्पेस ही नहीं देंगे तो कैसे फेंक जाएंगे? आप लगाइए ना, आपके पास अगर MCD के नुमाइंदे हैं, आपके पास में अगर 100 नुमाइंदे 100 150 नुमाइंदे, एक ही ड्यूटी लगा दीजिए, आप चालान कटवा दीजिए जो डाल के जाता है, देखते हैं चालान के बाद में कौन सा डाल के जाएगा, लेकिन आप तो स्पेस दे रहे हैं ना। एक साल पहले मैंने कहा था ये कूड़ेदान का जंजाल बनेगा ओखला के लोगों के लिए, शुरुआती में भी वीडियो आप देखिए उठाकर, ये जीजा जंजाल बनेगा, और आज नौबत हो आ गई है, जाम आपने देख लिया, एम्बुलेंस आपने फंसती देख ली, लोगों की दवा आपने देख लिया है, ये सब चीज़ आपने देख लिया। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त महमूद साहब जो आम आदमी पार्टी से, और एक साहब और खड़े हैं जो भाजपा से हैं, फसल में रहते हैं, अपने पटला उसमें ही आप जाते आते रहते हैं,
वहाँ पर भी तमाम गलियाँ, तमाम जो है सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्या परेशानी है? देखो, जो महमूद भाई ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ। असल में जो भी यहाँ पे लीडर हैं, कौंसलर हो या विधायक हो, उनसे बेहतर तो काम हमारे महमूद भाई करते हैं, जो बात हकीकत है। ये इन्हें किसी भी टाइम फ़ोन कर लीजिए, रात के 1 बजे कर लो, 2 बजे कर लो, ये वो शख्स है कि आधी रात पब्लिक के बीच में आपको खड़ा मिलेगा। देखो, ये हाल ओखला का क्या, दिल्ली में आप कहीं भी चले जाइए, मैंने पहली डिबेट में आपसे बोला था, कहीं भी गली कूचे में, कितने बुरे गांव कस्बे में, शहर में चले जाइए, ये हाल आपको कहीं नहीं मिलेगा सर। जो हाल ओखला के विधायक और काउंसलर साहब बिल्कुल यहाँ पे नज़र उठा के देखने को तैयार नहीं है, काम करने की तो बहुत दूर की बात है। आप बटला हाउस की गलियों में, शाहीन बाग की गलियों में चले जाइए, वहाँ जिंदा पेशाब, लेटरिन बह रही हैं, लोग नमाजी निकल निकल के जा रहे हैं और उनके कपड़ों पे छींटे आ रहे हैं, दोबारा घर पे जाके कपड़े बदलने के लिए जा रहे हैं वो लोग। आप ग्राउंड पे चल के तो बात करें सर, ये तो कुछ भी नहीं है। आप गलियों में जाएं, मोहल्ले में जाएं, आप भी किसी गांव से बिलोंग करते हैं, आप भी किसी गांव से, शहर से बिलोंग करते हैं, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं। दूसरी चीज़, मैंने गाँवों का भी हाल नहीं देखा, गाँव शहर से आगे जा रहे हैं, रोड इतने अच्छे मिलेंगे, रोज सफाई होगी नाली की, मोहल्ले की, कूचे की, यहाँ तो किसी बात का पता नहीं है। सफाई तो बहुत दूर की बात रहेगी सर, यहाँ पे काम ये रह गया है, बस यहाँ टीमें बना रखी हैं, चोरी डकैती करना है, इसके लेके आना, फ्लैटों पे प्लॉटों पे कब्जा करना है। एक भाई की बिल्डिंग है, बन रही बराबर वाला, उसमें इसके लेके आ रहा, उसका बिजनेस चल रहा, धंधा कर रहा, कोई जॉब नहीं, कोई एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ गरीबों को सताया जा रहा है। देख लिया, इसका आगे पीछे कोई नहीं है, उसके फ्लैटों पर कब्जा कर रहे हैं, उसके प्लॉटों पर कब्जा कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, गोलियाँ चला रहे हैं। यहाँ पे ओखला का बस से बदतर हाल हो चुका है। बात करने के लिए अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा।